कैसी यात्रा चल रही है? कैसे नकुल है ना? हाँ भाई जी भाई, मैंने बहुत आपके ब्लॉग देखे हुए। अच्छा, आज हम शेषनाग पहुँचेंगे। इतने सारे भंडारों का आनंद लेने के बाद अब हम निकले आगे की ओर, अगले पड़ाव की ओर पहुँचेंगे। मैंने तो ये ले लिया रास्ते के लिए। ये ट्रैक पार करने का नागापोटी आएगी। नागापोटी आती है? नागाकोटी आती है। अचानक से बहुत सारे आर्मी वाले आ गए, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, शायद ये शेषनाग की ओर जा रहे हैं। आया ट्रैक थोड़ा सा खड़ा वाला है, मतलब 1-2 किलोमीटर खड़ा चढ़ाई करनी पड़ेगी हमको आगे। अचानक से बहुत सारे आर्मी वाले आ गए थे, आधे ये आगे की ओर जा रहे हैं और आधे पीछे की ओर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। मुझे लग रहा है 1-2 रुक भी गए आर्मी वाले पीछे। जो भी आर्मी वाले मिल रहे हैं या जा रहे हैं हमारे पास से, अगर मैं ग्रिल के पास जा रहा हूं तो वो मेरे को मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप ग्रिल से दूर रह के वीडियो फोटो बनाइए। मतलब एक बार मेरी डांट पड़ चुकी है इस वजह से, ये बात मैं आपको बता पा रहा हूं। इस रास्ते में धूल बहुत उड़ती है, आपको सांस में दिक्कत आ सकती है धूल के कारण, तो आप मास्क ला सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी सांस की प्रॉब्लम है तब, जैसे कुछ लोगों ने लगा रखा है आप देख सकते हैं। आ गई अब थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई, ये लोग शायद दर्शन करके वापस आ रहे हैं। कुछ लोग बालटाल की जगह पहलगाम से भी वापस आ जाते हैं। इस चढ़ाई को ऊपर तक कंप्लीट कर लिया था, फिर ऊपर जाके देखा तो भाई साहब वही वाली खड़ी चढ़ाई आ गई जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था। मन नहीं हो रहा यार इतना ऊपर चढ़ने का, लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई लग रही है देखने में। इतनी देर से यात्रा कर रहे थे, एक बार भी हमको गीला रास्ता नहीं मिला, यहाँ पे आके थोड़ा सा गीला रास्ता में हमको देखने के लिए मिला। चढ़ लिया तुम्हारे भाई ने पहाड़ इतना बड़ा, बहुत ज्यादा चढ़ लिया अंकल जी, बहुत ज्यादा। लोगों के फेस रिएक्शन आप देख सकते हैं, वो भाई बस यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचे हैं। अच्छी खासी धूप खिल चुकी है, मैंने सोचा था थोड़ी देर में बारिश होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा गलत चल रहा हूँ इस टाइम पर। यहाँ से ये पीछे का नजारा जो है विलुप्त हो जाएगा और आगे एक नया नजारा मिला करेगा। सामने नजारा आप जैसा देख रहे हैं उससे ज्यादा हरियाली होने वाली है। सामने वो टेकरी जो दिख रही है वहां से गायब होगा पीछे का नजारा। नीचे पूरा खाई वाला माहौल हो रखा है इस टाइम। मन है उस कोने में जाकर फोटो खिंचवाने का, लेकिन जा नहीं पाऊंगा क्योंकि आर्मी वाले यहाँ पे जगह जगह तैनात है, कभी थप्पड़ ना पड़ जाए तो रिस्क लेना कैंसिल, अपन रिस्क नहीं लेते हैं। कुछ लोग ऊपर चढ़ के टॉप पे बैठ के मौसम का आनंद ले रहे हैं और ऊपर ही आर्मी वाले आप देख सकते हैं एक खड़े हुए जवान। यहाँ पे जगह जगह दुकानें भी लगी हुई हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे लिए जितनी सेवा ये लंगर वाले कर रहे हैं उतनी ये लोग नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो ये ज्यादा चार्जेस लेंगे, तो बात नहीं है। इन लंगर वालों को भी एक बार दिल से कहना चाहिए जय भोले की। अब हम बस 3 किलोमीटर बाद पहुंचने वाले हैं जाजीबाल। मैं सोच रहा हूँ जाजीबाल रुक जाऊँ, फिर सोच रहा हूँ शेषनाग, फिर सोच रहा हूँ एमजी टॉप। इस टाइम से शायद मैं एमजी टॉप पहुंच जाऊंगा, बाकी देखते हैं जैसा होगा बाबा की कृपा। बहुत धूल उड़ रहा है यार यहाँ पे। आगे की ओर जो नजारा है वो कुछ नया आ गया है और पीछे का नजारा आपको दिखाता हूँ बिल्कुल विलुप्त हो गया है। ये देखिए इस टाइम पीछे का नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। मैं वैसे काफी जल्दी आ चुका हूँ, अभी 12 बज रहे हैं तकरीबन और शेषनाग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर रह गया बस। देखिए टाइम 12:08 हो रहे हैं। यहाँ पे लोग पानी भर रहे हैं, जो नेचुरल पानी होता है जो पहाड़ों में से रिस रिस के आता है, साफ सुथरा एकदम। ये सामने ग्लेशियर है, ग्लेशियर के नीचे से पानी बहता हुआ जा रहा है नदी में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जय श्री राम, रेलिंग पर झुक के नहीं। यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ बस यहाँ तक पहुंच जाऊँ, इसके बाद देखूंगा कहीं लंगर वंगर मिला वहीं पे लेटूंगा सोऊंगा अपनी मस्ती से। ज्यादा लोड और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि यात्रा करने आया हूँ, आराम से करूंगा चाहे कितने भी टाइम कितना भी दिन लग जाए। पीछे का नजारा देखिए, इस टाइम कितनी प्यारी यात्रा चल रही है भाई साहब। और आगे का नजारा देखिए, ओ भाई ये आगे पीछे का नजारा मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको पूरी यात्रा फील कर पाओ, अनुभव ले पाओ कि यात्रा में ये मोड़ आएगा और ये नजारा हमको देखने के लिए मिलेंगे। अरे भैया यात्रा कैसी चल रही है? मौज में चल रहे हो? कहाँ तक पहुँचोगे आज? क्या हिसाब बनाए हो? आधे तक पहुंच जाओगे? यहाँ तो लोगों ने झंडे गाड़ दिए, देखो बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, एक नंबर बिल्कुल। वाओ यार क्या नजारा है, देखने लायक है नजारा तो ये। यहाँ से देखा जाए तो 7 किलोमीटर बचा भी शेषनाग, और मैं यहाँ पे अपना पानी भर रहा हूँ, 1 लीटर की बोतल में पानी भरा जा रहा है मेरा, देख लीजिए 2 घंटे भर गया यार ये बोतल तो। अब थोड़ा सा पानी का यहाँ के स्वाद लिया जाए, पहली बार पी रहा हूँ शायद। बहुत ठंडा है यहाँ का पानी, पिए हो? यहाँ का पानी पी रहे हैं यार। स्वाद कैसा है यहाँ के पानी का? अपने जैसा है? मिनरल बोला नहीं जा रहा, एक्वा। यहाँ मतलब दिल्ली से तो बहुत अच्छा है, अपन को वो खड़ी चढ़ाई पार करने का है। वाह यार नदी रौद्र रूप में है, गुस्से में चल रही है ऐसा लग रहा है भाई। अब तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर आने लगे, मतलब ऊपर ज्यादा बर्फ पड़ रही होगी। मौसम बारिश वाला था ही, अब बारिश होने लगी हल्की फुल्की। अब मैंने सोचा वो येलो कलर का जो तंबू दिख रहा है वहीं पे जाके रुकूंगा, ये बारिश पड़ने लगी तो मुझे दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, भीग गया तो छाता खोलना पड़ेगा या रेनकोट निकालना पड़ेगा। ज्यादा ही तेज बारिश होगी, सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो गए यहाँ पे, देख रहा हूँ जो लोग मतलब इंग्लिश में जो बोलते हैं ना स्टाफ, मतलब देखे नहीं होगा ना? ना ना, अरे सही में नहीं देखा हूँ यार, ना पीता ना हमारे यहाँ ऐसा सब चलता है यार। चेहरा वेरा मत लेना भाई, यहाँ देखो एक बार, देखो खुद देखो चेहरा, हम देख ले रहे तुम्हारी वीडियो पूरी।
अभी काफी तेज बारिश हो गया था तो हमने एक जगह विश्राम किया था। लोकेशन मैंने आपको दिखाई है, एक तंबू के अंदर घुस के बैठ गया था थोड़ी देर के लिए, मैं और बाकी सब भी वहीं पे आ गए थे। आगे का रास्ता आप देख सकते हैं, अभी तक मैं उस पीले तंबू तक नहीं पहुंचा हूं, वहां तक पहुंचना है बेसिकली मेरे को। भाई साहब ये नजारा आया है कुछ तखड़ा वाला, और नदी देखिए नीचे कितनी प्यारी जल रही है। वैसे ये पुल पता नहीं किस लिए बनाया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे पुल की कोई आवश्यकता तो थी नहीं, रास्ता भी बना रखा है। खैर हम अपनी यात्रा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सामने देखिए पीले वाली जो झोपड़ी है, बस थोड़ी सी कदम की दूरी पे हम पहुंचने वाले हैं, वहां से फिर आपको रास्ते के नजारे और व्यू दिखाऊंगा, कुछ व्यू आएगा। इस लोकेशन का मेरे को नाम ध्यान नहीं रहा, जेड से था कुछ। यहाँ पे बहुत अच्छी फोटो है एंड वीडियोस बनती हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ किस लोकेशन से अच्छी फोटो एंड वीडियोस आती हैं। और यहाँ पे एक टावर बन गया है नया, पहले ये टावर नहीं था, वैसे BSNL का टावर है लिखा हुआ है। वाव यार ये देखिए लोकेशन, और ऊपर देखिए इस टाइम पे बर्फ, देखिए दिख रही है आपको बर्फ। तो इस बर्फ के अनुमान से मैं लगा सकता हूँ कि अमरनाथ में बर्फ हो रही होगी बहुत ज्यादा, बाकी तो मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ, वही जाके पता चलेगा। जय भोले। ये मेरी फेवरेट प्लेस है जहाँ पे मैं फोटो खिंचवाता हूँ हर साल आगे, यहाँ पे मैंने फोटो खिंचवा ली है। अब मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, वहाँ भंडारे में विश्राम करूंगा और अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करूंगा। भाई मौसम थोड़ा चेंज हो गया और बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ का नजारा। मैं यहाँ से आगे की ओर जा रहा हूँ, देखता हूँ वैसे सामने रुकने का सोचा है। भाई सही में इस जगह की बात ही कुछ और है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर देखिए बादलों में थोड़ी सी धूप निकल के आ रही है, काफी लोग दर्शन करके लौटते हुए मेरे को नजर आ भी रहे हैं, ज्यादातर साधु हैं। वैसे इस बार यात्रा में ये चीज अच्छी हुई है, इन्होंने सोलर लाइट लगा दी है यार, ये नजारा था और ज्यादा प्यारा लगने लगा है। भाई साहब सही में बहुत ज्यादा प्यारा नजारा हो गया है। अब हम पहुंच गए लगभग उस पंडाल की ओर जहाँ पे हमें विश्राम करना है, और साथ ही में एक खुशी की बात है, बहुत प्यारी धूप निकल चुकी है यहाँ पर। बस मेरी शायद ये आज की खड़ी चढ़ाई, वो मुझे आगे ना जाना पड़े, बाकी देखते हैं। जय भोलेगी। शंकर संकट हरना शिव कैलासो के वासी, जगह का नाम है जोजीपाल। अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सामने एंजॉय चल रहा है, डांस वगैरह चल रहे हैं। कितनी तेज ले जा रहा है भाई साहब। अगर मान लो मेरा ये डिसीजन गलत होता है यहाँ पे रुकने का, वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि कल को मेरे को दो खड़ी चढ़ाई पार करनी होगी, एक होगी शेषनाग के लिए और दूसरी होगी MG टॉप के लिए। ये मेरे लिए कल दो मेन खड़ी चढ़ाई रहेंगी, तो मेन डिसीजन मेरा यही है कि अगर मैं आज यहाँ रुकता हूँ तो दिक्कत कल को चलने में आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं। वैसे सोच लिया यार, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ये मैं यहाँ के भंडारों में पहुँच चुका हूँ, सबसे पहले फोन चार्ज करूंगा, मेरे दोनों फोन डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे हमने बहुत डांस वांस कर लिया था थोड़ा बहुत, अब यहाँ के बाद हम आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। जय भोले की। जय भोले की भैया जी। अबे यार मीठा दूध खत्म हो गया लगभग, कोई नहीं अगले भंडारी की ओर चलते हैं, क्या पता वहाँ मिल जाए मीठा दूध हमको। इस पर रुमाली रोटी सेकते हैं, बट अभी सेक नहीं रही है। कॉफी का प्लान हो गया, कॉफी पीते हैं। भाई सब पानी के बतासे चल रहे हैं यहाँ पे। ये डोसा है उत्पम, एक दे देना थोड़ा सा। ये उत्पम है और ये जो आपको पता है वही है, ये खा रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत नाश्ता था जो मैंने कर लिया है, नाश्ता मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैंने बस टेस्ट किया है थोड़ा बहुत। अपन चल तो पड़े हैं ऐसे रास्तों पर, बाकी देखते हैं। आज शेषनाग की यात्रा स्टार्ट कर दी, मैंने सोचा था वहीं रुकूंगा, लेकिन कुछ चांसेस ऐसे हुए कि मेरा मन ही नहीं हुआ वहां रुकने का। अब बाबा की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा ना, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से तो बारिश रुक जाए अभी, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, उनकी कृपा है, जैसा होगा चलो ज्यादा ही सोचते हैं, चलते हैं यात्रा की ओर। नेक्स्ट पड़ाव पे वो चोटी जो दिख रही है वहाँ पे जाके रुकूंगा। भाई ये है माहौल, पहला ग्लेशियर मेरे को देखने के लिए मिला है बहुत पास से, ये भी पिघलता हुआ जा रहा है नीचे की ओर, उस नदी में जाके मिल जाता है। ये है कश्मीरी भेड़। सिंपल सी बात है, आप दोनों अगर आप भगवान को मानती है तो फिर शैतान को भी तो मानना पड़ेगा, अगर सही मानती है तो गलत तो मानना पड़ेगा। यहाँ से बहुत ज्यादा ठंडा पानी निकल रहा है, इसके बचाव के लिए अगर लोग जूते वूते ना भीजे तो उसके लिए ये लोहे का कुछ लगा रखा है इन लोगों ने। इस पे उतर के मैं अभी यहाँ की तरफ आया हूँ, बस थोड़ी सी और आगे की यात्रा बची है मेरी। ऐसा मैं तीसरी बार सोच रहा हूँ वैसे तो, बाकी देखते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ किसने छेद किया होगा पहाड़ों में यहाँ पे आकर के। अब देखिए पीछे का नजारा, ओह माय गॉड कितना ज्यादा सुंदर आ रहा है, भगवान आप क्या स्वर्ग में रहते हो। अब जो ये इतना प्यारा है तो आपका दरबार कितना प्यारा होगा जब हम बैकुंठ धाम आएंगे। ओह माय गॉड, अभी से ऐसे ऐसे विचार आने लगे, अभी मत बुलाना, थोड़ा और दुनिया देखने देना ठीक है। आएगा रास्ता देखिए, बिल्कुल मिट्टी वाला और ग्रिल बना रखी है, ऐसे ही यात्रा की जाती है भाई साहब। अगर ये प्रॉपर नज़ारे नहीं मिले तो आपका थोड़ा ध्यान पता है कहाँ रहेगा, फालतू चीज़ों पे।
इसलिए बाबा दूर जाके बसे हैं मेरे हिसाब से तो, ताकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट या तो बाबा पे रहे या इधर की वादियों पे रहे। फिलहाल तो मेरा इस रिवर पे भाई साहब क्या शोर मचाती हुई निकल रही है, इन लोगों की यात्रा हो चुकी है, यात्रा करके आ रहे हैं। कैसी रही आपकी यात्रा? जय बोले जय बोले। हे भगवान क्या करा रहे हो, इतनी घड़ी चढ़ाई फिर से मैं यही बैठ रहा हूँ, ऊपर तक चढ़ना यार अभी तो। यहाँ पे देखिए सीढ़ियाँ बनाई गई है जो कि अब टूट चुकी है, सीढ़ियां ही बनाई थी वैसे तो, ये अब ये खंडर में बदल चुकी है, टूट फूट के रास्ते में बदल चुकी है। ओ माय गॉड इतना प्यारा नजारा, वो देखिए झरने की तरह पानी नीचे फ्लो हो रहा है। कुछ लोग अपने दिल की बातें कह रहे हैं बाबा से, जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्या कह रहे हैं बाबा से? मैं कह रहा हूँ हाँ, बोले बाबा हाँ आई लव यू। वाओ लव यू बाबा, दोबारा बुला लिया। अच्छा दोबारा आए आप, दूसरी बार आए इसी रास्ते से? वाओ बहुत अच्छी बात है, चलिए जय भोले की। भाई साहब भाई साहब भाई साहब क्या नजारा है। ये भाई बोल के गया है मेरे से फरीदाबाद में 18 लगा दे नंबर, 20 की लगाना 1800 मिलेंगे। इस भाई से कहता हूँ भाई मैंने लगा दी। वो छोड़ो नीचे से ऊपर तक का रास्ता देखो भाई साहब कितना टफ हो रखा है। ओ माय गॉड भाई 95 लगा दी। शेषनाग अभी 4 किलोमीटर दूर है भाई साहब। ऊंची ऊंची वादी में बैठे हैं मेरे भोले शंकर भाई। 95 लग गई एक लौंडे से, मैंने बोल दिया लगा दी इसने। कितने की लगाई? 20 की। अब हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, नागोकोटी पुल है ये। और भाई साहब कितनी तेज चल रहा है ये झरना, यहाँ तो शायद मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ से आपको नजारा बहुत खास मिलेगा। पहले मैं नीचे था, अब मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से पानी बहता हुआ जा रहा है, देखिए क्या रफ्तार से जा रहा है। ये तो बहुत ज्यादा ऊपर से आ रहा है, इसे तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा मैं इतना ऊपर चढ़ के। ये देखो कहाँ से आ रहा है पता नहीं। अब यहाँ पे ना ऑक्सीजन जिनको कम होती है वो लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये मेडिकल हेल्थ केयर है यहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ यहीं कहीं रुकने की, बाकी देखते हैं। यहाँ पे ज्यादातर घोड़े वाले छोड़ के चले जाते हैं। और ये इस टाइम का पीछे का नजारा है भाई साहब, क्या क्या ही नजारा है, मजा आ रहा है देखने। कैसी यात्रा चल रही है? कैसी नकुल है ना? हाँ हाँ भाई जी भाई, मैंने बहुत आपके ब्लॉग देखे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू भाई थैंक यू भाई थैंक यू। ये भाई मिले एक, मैंने भी देखे भाई आपके ब्लॉग। ओह माय गॉड थैंक यू भाई थैंक यू मेरे भाई थैंक यू। ठीक है थैंक यू भाई। भाई को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू मेरे भाई। 2 मिनट में शॉक्ड हूँ, ये क्या हुआ अचानक से, मैं तो आंटी से बात कर रहा था। चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, जय भोले की। और तो स्ट्रगल चल रहा है यात्रा में, वैसा लोगों की हालत खराब हो रखी है, फिर भी बाबा की कृपा है जो आगे की तरफ यात्रा कर पा रहे हैं। बहुत से लोग तो बैठ गए, आप देख सकते हैं काफी लोग बैठ बैठ के भी यात्रा कर रहे हैं। कंपटीशन हो गया घोड़े वाले का और उनका, देखते हैं कौन जीतता है। बस गिरा मत देना आंटी जी को। ये तगड़ा था वैसे आपने जो बोला, मैं किसी को भी हंसा देती हूँ। वाह ये दोबारा कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए चलिए देखने में मजा आ रहा है मुझे तो। वाह शेषनाग आ गया लगभग, मुझे लग रहा है ये जो वाटर दिख रहा है ना, इसके थोड़ा सा बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद पूरी शेषनाग लेक दिख जाएगी आपको। फाइनली इसको फॉलो करते हुए हम पहुंच चुके हैं ऑन द सेम डे। अच्छा मानो मैंने 14 मई को ये किया होगा हाँ, और कुछ साल के उसी डेट पे हाँ, वही किया सेम डेट पे। ये वन वे रूट है, इस पे जबरदस्ती घोड़े चला रहे हैं। वाओ क्या फ्लो है पानी का, मजेदार फ्लो। वो भाई बहुत तेज चल रहा है तो, और सामने क्या व्यू आया है, जय भोले की। भाई बहुत तगड़ी बारिश हो गई है, बारिश में फंस गए। ये आप देख सकते हैं पूरा पंडाल लगा हुआ है, इसके अंदर अभी हम रुके हुए हैं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे वैसे। अब थोड़ी देर बाद इसको पार करते हैं और फिर पहुँचते हैं, वो सामने आप देख रहे हैं ना वहीं तक पहुंचना है हमको, वही है बेस कैंप। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं शेषनाग लेक है, मैं यहाँ पहुंच ही गया नहा जाते हुए भी। ऊपर देखिए यहाँ पे बर्फ बर्फ है, ये देखिए ये ऊपर बर्फ देखिए आपको, बहुत प्यारी बर्फ है। और सुबह को देखूंगा अच्छा सा नज़ारा, अभी तो शाम होने वाली है, लगभग 7 बज गए हैं। बारिश से बचने के लिए मैंने छाता भी लगा लिया है और रेनकोट भी पहन लिया है। और मेरे को यहाँ पे एक फ्रेंड मिले हैं जो कश्मीर के हैं, थोड़ा मैं सोच लूंगा उनसे इंट्रोड्यूस कराने का, चलो देखता हूँ बात करता हूँ उनसे। वैसे ये है, मैंने इन्हें अपना अम्ब्रेला दिया था और इन्होंने कहा मैं रेनकोट ले लेती हूँ, तो इन्होंने रेनकोट ले लिया। मैं आपका नाम पूछना भूल गया वैसे, रोहित रोहित नाम है आपका? एक मिनट उतर जाओ, पहले मैं उतर जाऊँ फिर आपसे पूछूंगा। क्या क्या आ जाओ इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। गिर जाओगी बोल रहे हैं वो,
डंडा है उनके पास, वो गिरेंगे नहीं। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, रोहित नाम है आपका? रोहित हमारे यहाँ लड़कों का नाम होता है। क्या सब जगह लड़कों का ही होता है? अच्छा मेरी माँ तो तुम्हारी ज़्यादा फ्रेंड है। क्या मेरी माँ आपकी ज़्यादा फ्रेंड है? मेरी माँ आपकी ज़्यादा दोस्त है। आपकी ज़्यादा दोस्त है? हाँ। कैसे समझाइए। है वो तो है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? अच्छा तो मैं उनसे पूछूं। चलिए ठीक है, उनसे पूछूंगा आपने रोहित नाम क्यों रखा। मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से जहाँ से जा रहे हो वहीं से मैं जा रहा हूँ, गिरवा मत देना। गिरवाना मीन्स फिसलना, गिरना, चोट। हाँ अच्छा, क्योंकि क्योंकि आप पहाड़ों पे चलते रहते हैं, आपको रास्ते नॉर्मल लग रहे होंगे। ओ भाई लेकिन आप तो पंडित, तो आप गुज्जर कैसे हो गए? कहाँ है आपकी भेड़े? आपकी भेड़े नहीं दिख रही। क्या अच्छा, मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ। हाँ जो भी बोलते हैं इंटरेस्टिंग, जिससे बात करने में थोड़ा लगे कि हाँ यार रास्ता सही जा रहा है, बात हो पा रही है, वैसा टाइप। शायद ऐसा मैं बोल सकता हूँ, शायद मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा सा मज़ा सा आ रहा है ट्रैवल करने में भी और आपसे बात करते हुए भी, लेकिन अब फोटो नहीं खींच सकते, मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ नहीं है। नाइस। आप ऐसे फ़ोटो खींचते हैं मतलब कि जो ना चाहते हुए भी बन जाते हैं कि हाँ डालने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, मतलब कि मैं ना अपलोड कर सकता हूँ। कुछ फोटोज होते हैं ना जिन्हें मैं अपलोड नहीं कर सकता कि हाँ मुझे पसंद नहीं है, या फिर कुछ समझ रहे ना कुछ कैरेक्टर नहीं मिलता, इसमें तो पूरा कैरेक्टर मैं ही लग रहा हूँ।